देखो एक बार फिर हम आरपीएससी का घेराव करने पहुंचे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि स्कूल व्याख्याता और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी किया जाए। वहीं पशु चिकित्सक भर्ती 2019 की है उसकी इंटरव्यू तिथि जारी की जाए। वहीं पीटीआई फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड भर्ती का परिणाम जारी किया जाए और संस्कृत शिक्षा विभाग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का परिणाम जारी किया जाए। तमाम युवा बेरोजगारों की मांगों को लेकर यहाँ पहुंचे हैं कि तत्काल आरपीएससी परिणाम जारी करें, क्योंकि अक्टूबर में आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता में इनकी नियुक्ति प्रक्रिया अटक जाएगी। इसलिए आज हम बड़ी संख्या में पहुंचे हैं, मुलाकात करेंगे। मांग नहीं बनती है तो हम धरना भी देंगे, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं राज्य सरकार को कि इस बार चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका होगी। युवाओं के समय पर रोजगार नहीं मिला, जो 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियाँ हैं जिसमें तमाम ये भर्तियां सम्मिलित है, यदि आचार संहिता से पहले पूरी नहीं हुई तो इसका खामियाजा सरकार को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव में जीत की चाबी युवाओं के पास होगी और महत्वपूर्ण योगदान युवाओं का होगा। लगातार सरकार कह रही है कि 1 लाख भर्तियां हम नहीं निकालेंगे, नई भर्तियों का कैलेंडर का पता नहीं, जो पहले के 1 लाख जो भर्तियां हैं जब ये पूरी होंगी तब नई भर्ती आएंगी, तो पहले वाली पूरी सरकार पूरी करे। आज इस मांग को लेकर हमने आज आरपीएससी का घेराव किया। अजमेर में कई बार शिकायत कर चुकी पहले नहीं, लगातार संघर्ष जारी। मैंने यहाँ पहले भी कहा है कि जब तक मेरे युवाओं को न्याय नहीं मिल जाए, चाहे मुझे जेल में डाले चाहे लाठी बरसाए, मैं यूं ही आता रहूंगा, यूं ही लड़ता रहूंगा, लेकिन मेरे युवाओं को न्याय मिलना चाहिए। हम लड़े 30 साल बाद लाइब्रेरियन और पीटीआई भर्ती की विज्ञप्ति जारी हुई आरपीएससी से। उस शिक्षा में आगे पूरी नहीं हुई तो आगे क्या, चुनाव में लड़ेंगे, वोट की चोट करेंगे और युवाओं की ताकत का एहसास करवाएंगे।